सूता छिंडे पारुनी कहीं कौटु आसला ये जहाँ को मुमो नौख द्वारा भी जमा काटी पारुनी अटकाओ ये बानरों को केई अच्छा बाहर को आस देखो एटी सब कौन है छी महादेव ये किभली अकल्पनीय दृश्य स्वामी साधु महाराज कहते से आम संकट को निज ऊपर को नहीं जीवे स्वामी से ताहा ही करी चंती आपण निज वचन रे एकनिष्ठ सिद्ध हेले साधु महाराज हे साधु महाराज आपण धन्य महाराज ज्ञानानंद महाराज करो महाराज ज्ञानानंद महाराज करो ए पीड़ा तो भलो ही थांता जे आम प्राण चली जाई थांता ए भली दशा मोर भी केबे हेनी चुप हे जाओ मूर्ख चुप हे जाओ तमो समस्तंकर शिरो काट देई मु अरे तू कौन करछु जड़ा बुद्धि मु आपन को क्षेत्र रे औषध लगौथिली स्वामी कपट असुर तो ये भली शिक्षा दे बिजमु। प्रणाम आरुषि बड़ो। आसो पुत्र। मते ज्ञातो हेला काली रात्रि रे आपनो महा साधु माने आमरो विपद को नीचो ऊपरे नै जाई चंती। धन्य आपण माने आज मु आपणंकु मोर प्रिय भोजन खुएबी आसो ये पंचम थाली कहाँ पाई मारुती आमे तो मात्र चारि जण हाँ। नाम कही तमें कारण कह मना परंतु तमें नाम न कहिले तमकु केमिति भेट कर स्वामी ये तो सही भयंकर मंत्र अर्थात मु तमर भक्ति रे अत्यंत प्रभावित हेली मारुति तांको केबे तमे न देखि मध्य तांको जीवन रो आधार मानि नेला आउ तांको पई खाद्य परोसि देला जेमिति से स्वयं आसी ताको भोजन करिवे आजि न हले बे काली से अवश्य आसीबे ऋषि बरो आपण त मते तांको स देखा करै देबे अवश्य श्री
तुलना नाही ए बाघ को मु बहन करबी काय के न ऋषि बोलो याको देखी केबे मार करे अपन को उपले आक्रमण जमा भी कोलेबेनी व्याघ्र राजो एई होचंती सेई महान सन्यासी जे अपन को बाहन करलिबे साधु राक्षस गृह भितर प्रवेश कर सारे तार दंड अवश्य मिल जीवित छाड़बिन तम पुत्र मझे आसी नथिले एते बड़ को तमर मृत शरीर पड़ी रही थांता महाराज केसरी आपण आमो विश्वास र अनुचित लाभ उठै छंती यालो दंड अवश्य मिलिबो तू ही हेउ छु आमो मार्गर कंटा सर्वप्रथमे मु तते ही समाप्त करिबि अंतिम प्रश्वास पर्यंत तर रक्षा करिबा किछि करंतो स्वामी एबे आपण ही हमकु बचे करिबे किछि 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 करंतो स्वामी जीवित रहिबार एकमात्र उपाय अछि राम 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 संकट रू तुमे उद्धार कर
तेणु संकट मोचन ना तुमर स्वरूप बदलुची संसार सब संकट को तुमे करिच दूर तेणु संकट मोचन ना तुमर दुर्बल बल शक्ति प्रबल जहा पाखरे नाही कौनसी छल तुमे निदर्शन हनुमान जय श्री राम वीर 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 हनुमान जय श्री राम ये हमारा महाराज आपन को डाक सुनी स्वयं आसी चंती दर्शन दबाकु बंधु मोर टिके परिचय मानको कडे दियो पूरा संसार रे यांको समान दृढ़ चित्त एकाग्र लड़ो प्रेमी कहीं भी नहंती बंदी करि नियो ए उदंड बालकंकु राजरथ चोरी करिवार कठोर दंड मिलिबो काळ कोठरी रे पकेइ दबांकु आजीवन कारागार काटिबे माने कारागार रे पकेइबा पई हेले मते आगु धरिबाकु त होबो ना काका एबे पाठ पढौ छी तते टक्कर दौ एमें तुमको छाड़बु बालक बाबी के उम्मा कोड़ी देबे
ए पर्यंत रथर कौणसी भी सूचना प्राप्त होला नाही। आम महाराज को संध्या वंदना समाप्त हेबाकु जाउछे। मोर रथ कुआडे गला महाराज? क्षमा महाराज, आपणक रथ को दुई बाळक नै पळी जाय छै। दुई जण बाळक नै पळी गले महाराज। सैनिक जाय छथि रथ आणिबाकु, से फेरुथिबे एबे। कोठि अछि मो रथ? से रथ से मूर्ख दुई जण बाळकक पखले, तांको भितरु जण त निजको बानरक राजा कहुछ महाराज, से हमको मारिला। कोण बाळीर सैनिक हे तमे दुई जण बाळकठु परास्त हि आसिलो? एमिति अपमान पाइला परे तमे जीवित रही कोण करिवो? पुजारी होउछि बराहसुर, आउ ए दुहिंकर सर्वोत्कृष्ट मिलन हेइथाए अप्सरा मानक नृत्य रे। आउ जदि ए नृत्य अटकी जीव तेबे समस्तक भव लीला एइठी अटकी जीव। जते किछि ज्ञात हेइ पारोनी। क्षमा करंतु बराहसुर, मु एते क्लांत हेइ सारिछि जे एबे मो द्वारा नृत्य हेइ परिबनी। कदाचित तमकु स्मरण नाही, ये स्वर्ग लोक नुह अपरंतु पाताल लोक। आउ एठी केवल बराहसुरर इच्छा चले, आउ मोर इच्छा एया जे मोर दासी मो पई नृत्य प्रस्तुत करिवे। तू आम प्राण नै जे पछे बराहसुर, परंतु एबे आमे नृत्य करि परिबुनी। अच्छा, तेबे मृत्यु को भय लागुनी तमको? तेबे त तमोर ए विद्रोहर मूल्य ए ऋषि गण परिषद करिवे। जाबुक नै आसो। हमको आउ जातनार भय नै दुराचारी, तू कर अत्याचार आमको प्रसन्नता मिलिबो, कारण एही कर्मरु तो पापर कुंभ शीघ्र भरि जीव। आउ सेते बेले महादेव स्वयं प्रकट हेबे, आउ तोर अंत करि देबे दुराचारी। आउ कोनसी बार को भी देखा चाउनी ए छिद्र व्यतीत, कदाचित ए छिद्र मते गदा पर्यंत नै जीव, परंतु या मठ दे तो केवल मोर लांज ही प्रवेश करि पारिबो। कौन शत्रुता थिला आपणकर मो सह? मु तो एई अप्सरा मानकु अपहरण करूथिली, वृथा ठारे मधिकु आसी गले, आउ मते अभिशाप भी देई देले जे महादेव आसी मते अंत करिवे। ये होउची तळा तळ पाताल लोकर प्रथम स्तर, एठी की आसीबा पूर्वरु महादेव भी स्वयं दुई थर भाबिबे। कोरोना वर्षा करे यांको उपरे, से पर्यंत वर्षा करो जे पर्यंत ए अप्सरा माने नृत्य करिबा पई प्रस्तुत हेइ न जानती। महादेव ए निर्दय राक्षस प्रकोपरु हमकु पंचंतु महादेव। वास्तव रे चिंतार विषय देवी, अचानक कुआडे लुप्त हेइ गले सी। सिया महल प्रांगण दे बाहा को चली गले नि त महाराज, शीघ्र किछ करंतु हमको खोजिबा को पड़िबो तांको। प्रातः काल ए समय रे कुआडे जाई परिबे? भ्राता आपण वर्तमान कोठु आसिले? गड्डा बाई तो किछ मिलो नाही मते, मोर लांचर दीर्घ टाकु रही जानतु, छाड़ी दियंतु तंकु।
धर्मात्मा का उत्पीड़न आमे ओ देखि परिबुनी। हां आमे नृत्य करिबु। ये कौन पूछ भली प्रतीत हेउची? कौन हैला अंजनी तमे मते क्षमा कर दियो मु आम मारुति ध्यान रखी पारिलिनी अर्थात हाँ नानी प्रातः काल रु मारुति कोठी भी मिलू नांती कोड़े चली गले माने अंजनी मोर पूर्ण विश्वास अछि आम मारुति किछि भी हबनी से संपूर्ण सुरक्षित थिबे आ जे पर्यंत से सकुशले फेरि न आसी छंती मु अन्न जल ग्रहण करबिनी कोन नानी तमे एमिति निजे को काहे के दोष दोछो आमी समस्त जाने छे मारुति केते चंचल चले चले कोठी जाई से पहुंचे जांती केबे बंधु मानंक पई उपहार आनिबाकू अथवा के आहत जीवर उपचार करबाकू थीबे इठी कोठी नाही नने आमी महल सारा खोजी सेरिलुनी मारुति कोठी बिनांती पूरा महल रे नांती एबे एठी एभली भावे ठिया ही विलाप करिबा संपूर्ण वृथा आमको तांको खोजिबा को सेठी रही जाओ ये राक्षस राज बळिंग राज्य सुताळ एठी तुम भली बानर बालक को प्रवेश करिवार अनुमति नाही हे दिव्य पुरुष कोन मु आपन को परिचय जाने बाली भी तमे कोन मते जानी ना मु श्री हरि विष्णु कर दिव्य शक्ति तांकरी महिमा मो पई ही अछि मो द्वारा ही से त समस्त दुष्ट राक्षसंकु बध करि परंती जहां पई से प्रसिद्ध हेइ छथि मु हेउछि सुदर्शन चक्र सुदर्शन चक्र ओहो भाग्य मोर सुदर्शन देवंकु सुमेरु राजो केसरी पुत्र मारुति र प्रणाम एठकु आसीबार प्रयोजन मु पाताल लोक जाउछि जारो मार्ग सुतल देइ जाउछि मु तुमकु भीतर को जीवा को देइ परिबि कारण श्री हरि को आज्ञा बिना सुतल लोक को जीवा वर्जनी प्रभु श्री हरि को सुदर्शन चक्र सुतल लोक रे कोन करछंती आउ से कथा काही कहउछंती जे श्री हरि को आज्ञा बिना केही भी सुतल लोक को प्रवेश करि परिबेनी यार कोन कारण हला श्री हरि को द्वारा बळिं को दिया जाईथिबा वरदान सत्य युग रे परम विष्णु भक्त राक्षस राज बळि देवराज इंद्र को परास्त करी स्वर्ग पर निजर अधिकार स्थापन करी नेले राजा बळि देवतांको ठु ना केवल तांकर अधिकार वरं तांकर शक्ति मध्य छड़े नेले जहा द्वारा सृष्टि रो संचालन रे समस्या सृष्टि होवर लागिला सेते बेले जगत रो पालनकर्ता श्री हरि विष्णु वामन अवतार धारण कले
ଆଉ ତାପରେ ରାଜା ବଳିଙ୍କଠୁ ଦାନରେ କେବଳ ତିନିପାଦ ଭୂମି ମାଗିଲେ। ଏଲି ଆପଣଙ୍କୁ ତିନିପାଦ ଭୂମି। ବାମନ ଅବତାର ଗୋଟିଏ ପାଦରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଅଧିକାର କଲେ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ପାଦରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୃଥିବୀ। ରାଜା ବଳି ବୁଝିଗଲେ ଏ ବାମନ ଆଉ କେହି ନୁହନ୍ତି, ଶ୍ରୀହରି ସ୍ୱୟଂ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ। ତୃତୀୟ ପାଦ ପାଇଁ ବଳି ବାମନ ଅବତାରଙ୍କୁ ନିଜର ଶିର ହିଁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ। ଭକ୍ତିର ଏଭଳି ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଖି ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଆଉ ବଳିଙ୍କୁ ସୁତଳ ଲୋକର ରାଜା କରିଦେଲେ। ଆଉ ଏହି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ନଗରର ରକ୍ଷା ସେ ସ୍ୱୟଂ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି କାରଣରୁ ସୁତଳ ଲୋକର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଶ୍ରୀହରିଙ୍କ ଚକ୍ର ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ କରୁଛନ୍ତି। ସୁଦର୍ଶନ ଦେବ ଏ ସଂସାରର ସବୁଠାରୁ ଆକ୍ରମକ ଶକ୍ତି, ଆଉ ଏବେ ସେ ଯେମିତି ମୋରେ ଜ୍ୱାଳା ମତେ ଭିତରେ ହିଁ ଭିତରେ ଜାଳି ପକେଇବ। ତେବେ ଆପଣ ମୋ କଥା ବୁଝିଗଲେ? ବଞ୍ଚାଅ, କେହି ଆମ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଅ। ଆପଣ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆସୁଛି। ମୋ ଭୋଜନ ସଙ୍କଟରେ ଅଛନ୍ତି। ସଙ୍କଟରେ ତ ତୁ ଅଛୁ ବାଳକ, ମୋ ସିଂହରୁ ତୁ ତ ବଞ୍ଚିଗଲୁ, ପରନ୍ତୁ ଏବେ ମୋ ଅଗ୍ନି ଶିଖାରେ ତତେ ଜାଳି ପୋଡି ଭସ୍ମ କରିଦେବି ମୁଁ। ଗୋଟେ ପଟେ କ୍ରୁରତା ଆଉ କ୍ରୋଧର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ରାକ୍ଷସ ଦୁନ୍ଦୁଭି, ଆଉ ଅନ୍ୟ ପଟରେ ନିଷ୍ପାପ ଆଉ ନିଶ୍ଚଳ ବାଳକ ମାରୁତି। କଣ ହବ ଯେବେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ? ଯାହା ଭିତରେ ଅଛି ତାହା ହିଁ ବାହାରେ ହବ। ଦୁନ୍ଦୁଭି ନିଜ କ୍ରୋଧର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଉ ମାରୁତି ମାରୁତି ତାଙ୍କର ସରଳତାର। ତେବେ ତ ଦୁନ୍ଦୁଭି ମାରୁତିଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ସଙ୍କଟ ହେଇଯିବେ ପ୍ରଭୁ। ମାରୁତି ତ ଏ କଥା ପ୍ରତି ଅନଭିଜ୍ଞ ଯେ ଦୁନ୍ଦୁଭି ତାଙ୍କର କ୍ଷତି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଯଦି ମନ ସ୍ଥିର ଥିବ, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ଚର୍ମଚକ୍ଷୁ ଦେଖିପାରେ ନା ତାକୁ ମନର ନେତ୍ର ଦେଖି ନେଇ ପାରେ। ସତର୍କ ହେବାର ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଇଏ ମୋ ଉପରେ ଭାରି ହେଇଯିବ। ତାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡିବନି ମୂର୍ଖ, ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତତେ ଜମଲୋକରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବି।
मारुति कोड़े गले एबे त एठी थिले आखो पाकरे कोठी थिबे रानी मा मारुति तमे मन कर ध्यान रखो मारुति